हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम भीष्म पंचक व्रत या पंच भिक्षु व्रत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक के पूरे महीने में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाव में स्नान पूजा पाठ व्रत आदि करने का नियम होता है, ठीक है ना। ये हमारे पूरे कार्तिक का होता है। पर बहुत सारे साधक, बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो किसी भी कारण से, बीमारी की वजह से, क्योंकि ये कार्तिक का ना पूरा त्योहारों का महीना होता है और इस समय मौसम बदल रहा होता है, ठंड आ रही होती है ना, तो किसी भी वजह से वो कार्तिक में स्नान नियम नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए कान्हा जी ने उन्हें कार्तिक के लाभ के जो 5 दिन है उसमें भीष्म पंचक व्रत या पंच भिक्षु व्रत करने का विधान बताया है। जो पूरा कार्तिक स्नान नियम करते हैं, मान लो अगर कोई भी एक है जो पूरे कार्तिक के महीने में नहा रहा है, वो भी लास्ट के 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं, ये बहुत ही फलकारी और पुण्यदायी होता है, ठीक है। अब भीष्म पंचक व्रत किया कब जाता है, तो जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 एकादशी होती है, जैसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उस दिन से ये भीष्म पंचक व्रत शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को किया जाता है। उसके बाद एकम को खीर का दान करके व्रत खोला जाता है। भीष्म पंचक व्रत को पंच भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसलिए ये भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ, उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा। ये व्रत ऐसा नहीं है कि महाभारत काल से, ये व्रत आदि काल से है, बहुत पुराना है, बहुत ऋषि मुनियों ने किया था, बट बीच में ये लुप्त हो गया था, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह बाणों की शैया पे पड़े हुए थे, उस समय कान्हा जी ने उन्हें बताया था और उन्होंने ये 5 दिन का व्रत किया था, इसी से उनके नाम से ही इस व्रत का फिर से प्रचार हुआ था। ये जो सारी घटना है, ये कार्तिक महत्तम का जो अध्याय 27 है उसमें आप सुनोगे, उसमें डिटेल में सारी बात बताई हुई है। कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की शैया पे पड़े हुए भीष्म जी ने अर्जुन को बोला था कि मुझे प्यास लगे, मुझे पानी पीना है। तब अर्जुन ने संकल्प करके भूमि पर एक तीर मारा था और उसमें से गंगा जी की धार निकली थी जो सीधा भीष्म जी के मुंह में गई थी। उनकी प्यास मिटी और उनके तन मन प्राण संतुष्ट हुए। उस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा था कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्ध दान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होऊंगा। अब आपको इस व्रत का विधान और नियम बताती हूँ। देखो, भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है, ठीक है। मंडप ऐसा होता है कि हम केले के पेड़ खड़े करके बनाते हैं या मटकियां एक के ऊपर एक रखकर उससे मंडप बनाते हैं। आपने देखा होगा जैसे फेरों का मंडप बनाते हैं, 4 तरफ रख के और बीच इस तरह से मंडप बनाते हैं। उस मंडप को गाय के गोबर से लीप कर बीच में एक वेदी बनाई जाएगी। वेदी पर तिल रख कर कलश स्थापित किया जाएगा। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाएगी। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाले को 5 दिनों तक संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए और यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए। इस व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने का भी विधान है। अगर इस तरह से व्रत ना कर पाए, क्योंकि ये वेदी बनाकर करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, ये हमारी शास्त्रीय विधि है जो हमें शास्त्रों में मिलती है, पर हर कोई इस तरह से पूजा नहीं कर सकता, इसलिए अगर आप चाहो तो सिंपल तरीके से घर पर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों के छांव में स्नान करो, फिर पूजा करो, पंच भिक्षु व्रत का संकल्प आप देव उठनी एकादशी पे ले लो और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए कहो कि हे प्रभु, मैं भीष्म पंचक व्रत करना चाहती हूँ, कृपया करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कराए। और उसके बाद रोज नियम से सुबह उठकर तारों की छांव में स्नान करें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। साधक अपनी किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए इन 5 दिनों में अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर ले सकता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, रोज नियम से कार्तिक महत्तम जरूर सुनना। अगर आपने अभी तक कार्तिक महत्तम नहीं सुना तो ये जो लास्ट के 5 दिन है उनमें रोज 7 अध्याय सुनकर पूरे कार्तिक महीने का जो महत्तम है वो आप एक साथ 5 दिनों में भी सुन सकते हो। कार्तिक मास में कार्तिक महत्तम सुनने का विशेष महत्व होता है, विशेष लाभ होता है, विशेष फल होता है। अच्छा, भीष्म पंचक व्रत में जो सौकार की भोग की पंच भिक्षु वाली कहानी है उसको भी रोज सुना जाता है। इस कहानी का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस व्रत में निराहार रहने का विधान है, पर जैसा कि कलयुग है साधक 5 दिनों तक बिना कुछ खाए नहीं रह पाते हैं, इसलिए एक समय फलहार यानी कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं। फलहार मीठा या नमकीन कोई भी ले सकते हो। नमक, अगर मान लो आप नमकीन फलहार लेते हो तो नमक आपको सिंधा नमक जो व्रत में इस्तेमाल होता है वो नमक इस्तेमाल करना है।
इन 5 दिनों में अन्न को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए, नमक एक समय खाना चाहिए। अच्छा, इन दिनों में पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गौझरन और गोबर रस का मिश्रण, इसका सेवन करना बहुत बहुत अच्छा होता है। जो हमारी शास्त्रीय विधि है उसमें तो यही कहा जाता है, जो आप कार्तिक महत्तम सुनोगे उसमें भी यही बताया गया है कि रोज इसी का सेवन करके व्रत किया जाता है। बट देखो, आज कलयुग के समय में मुझे लगता है इस तरह व्रत करना बहुत मुश्किल है ना। खाली आप ये पंचगव्य रोज एक एक चीज लो उससे व्रत करो तो वो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। अगर कोई कर सकता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। और ये सेहत के लिए वैसे बहुत अच्छा होता है, तो पानी में, तो इसलिए पूरी तरह से आपकी इच्छा है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज याद रखना, रोज सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा गौझरन यानी गौमूत्र डाल ले और उससे स्नान करें, ये रोग दोष और पाप नाशक माना गया है। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। उद्यापन बड़ा नहीं है, ब्राह्मण को जोड़े सहित आप जिमा सकते हैं, मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मण को कोई भी जोड़े को बुलाकर, उसको घर बुलाकर खाना खिलाकर दान दक्षिणा देकर फिर आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। फिर अगले दिन पड़वा पर, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा होती है ना प्रतिपदा का जो दिन होता है, उसमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगाकर फिर हम अपने व्रत का पालन करेंगे, मतलब व्रत खोल लेंगे, मतलब हम अन्न खा लेंगे। जो कार्तिक व्रत करते हैं वो दाल चावल का त्याग करते हैं, साथ ही जो भीष्म पंचक व्रत करके 5 दिन फलहार करते हैं वो प्रतिपदा को खिचड़ी और खीर खाकर अपना व्रत खोलते हैं। चिड़ाचिड़ी की कहानी भी आपको जल्दी भेजूंगे। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको अपने मोबाइल पर आने वाले जो तीज त्योहार है उनके रिमाइंडर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करें 9821025751 पर। एक प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा कि क्या वो पंच भिक्षु व्रत में तारा भोजन का नियम ले सकते हैं। तो देखो, एक बात समझ लो, ये दोनों अलग अलग व्रत है। तारा भोजन जो व्रत होता है वो पूरे महीने का होता है, ऐसा नहीं कि 5 दिन कर लिए। तारा भोजन व्रत में हम तारों को अर्ध देकर जो नॉर्मल खाना होता है, जो घर पे हमारा रोटी सब्जी बनती है वो हम खा लेते हैं, जो सात्विक खाना होता है। पर जो ये पंच भिक्षु व्रत होता है ये लास्ट के 5 दिन में होता है, इसमें हम शाम की पूजा के बाद फलाहार लेते हैं, इसमें अन्न नहीं खाया जाता। दोनों ही व्रतों में खाना रात को ही खाया जाता है, पर दोनों अलग अलग व्रत है। एक प्रश्न आया है कि अगर लास्ट के 5 दिन हम व्रत कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। देखो, लास्ट के 5 दिनों के लिए तो कहूंगी हाँ जरूरी है। भीष्म पंचक व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखना, भीष्म पंचक व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत जरूरी है। इसका कारण है, जो मां गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे ना, वो पूर्व जन्म में वसु थे। अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अजन्मा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, है ना, और उनके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल दिया था। इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भीष्म पितामह का तर्पण भी करते हो, है ना, तो ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जरूरी है। एक प्रश्न आया है, तर्पण करते हुए क्या कहें। देखो, इन 5 दिनों में रोज हमें भीष्म पितामह के लिए तर्पण करना चाहिए। भीष्म पितामह का तर्पण करते हुए हमें बोलना चाहिए, हे आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत प्रारायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं ये अर्घ देती हूँ। इस तरह कहते हुए रोज उन्हें अर्घ दे। साथ ही रोज नियम से भागवत महापुराण का या गीता का पाठ भी जरूर करें। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उनके द्वारा सब प्रकार के शुभ कामों का पालन हो जाता है। ये बहुत बहुत ज्यादा फलकारी व्रत है और हमारे बड़े से बड़े पाप को भी नाश करने वाला है। जो निर्संतान दंपति है वो इस व्रत को जरूर रखे, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। इसके अलावा इस व्रत को रखने से सुख सम्मान में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और लंबी आयु मिलती है। अब हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि भीष्म पंचक व्रत में हम पूजा कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। ये जो मैं विधि बता रही हूँ ये दोनों के लिए है, जिन्होंने कार्तिक में पूरे महीने कुछ नहीं किया, ये जो कार्तिक में स्नान कर रहे हैं सबके लिए इसी तरह से करना है। सुबह जल्दी उठे, तारों की छांव में स्नान करें, ठंडे पानी से नहाना है, उसके बाद साफ सुथरे कपड़े वगैरह पहनकर पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा मंदिर में, घर में, कहीं भी कर सकते हो। पूजा करते हुए हमें जिस भी तरह से हम रोज पूजा करते हैं उसी तरह से करते हैं, है ना। आप मंदिर जा रहे हो तो शंकर को, भगवान भोले शंकर को आप स्नान वगैरह करा के उनका अभिषेक कर सकते हो, है ना। या घर में पूजा कर रहे हो तो अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर सकते हो। इस तरह रोज की पूजा करने के बाद आपको कार्तिक महात्म सुनना है, पंच भिक्षु की कहानी सुननी है। आप जैसे एकादशी से शुरू करेंगे तो एकादशी वाले दिन एकादशी की कहानी सुनेंगे। इसके अलावा हमें कार्तिक महात्म, पंच भिक्षु की कहानी तो रोज ही सुननी है, पांचों के पांचों दिन।
एकादशी वाले दिन हम एकादशी की कहानी भी सुनेंगे और पूर्णमासी वाले दिन भगवान सत्यनारायण की कहानी सुनेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा कार्तिक की जो कहानियां होती है वो दो कहानियां वो सुनी जाती है। ये पूजा करने में हमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है क्योंकि हमें चीजें सुननी ज्यादा होती है। और इसके अलावा आप भीष्म पितामह का तर्पण करेंगे, ये हमारी सुबह की पूजा हो गई। आप चाहो तो उसी समय माला जाप कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो या भागवत महापुराण पढ़ सकते हो, चाहो तो ये काम बाद में भी कर सकते हो क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा समय कम होता है, ठीक है। तो पूरी तरह से आपकी इच्छा है। इसके बाद हम तुलसी महारानी की पूजा करेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे। ये सब करने के बाद भजन कीर्तन अगर आप कर सकते हो तो तब कर सकते हो, ना बाद में भी कर सकते हो। इसी तरह शाम को भी विशेष पूजा करनी है, शाम को हम करेंगे और तुलसी महारानी की पूजा करेंगे, भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आपका दीप दान का नियम है, कहीं भी आप दीपक प्रज्वलित करते हो, मंदिर में, गौशाला में, कहीं भी, है ना, तो वहां हम दीप प्रज्वलित करेंगे। एक अगर आप चाहो तो अखंड दीप जरूर लगा लेना, बहुत बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा फिर आपको याद दिला रही हूं, अगर कोई भी साधक है जिसने अभी तक आकाश में दीपदान नहीं किया तो वो इन लाभ के 5 दिनों में 108 बत्ती से आकाश में दीपदान जरूर कर दे, बहुत बहुत अच्छा होता है। भक्ति तो मिलती ही मिलती है, जीवन की परेशानियां भी खत्म होती है। आकाश में दीपदान हम भगवान विष्णु, यमराज और अपने पितरों के निमित्त करते हैं, ठीक है। तो आप ये करिए लाभ के, और इस तरह करते हुए हम पूर्णमासी तक लाएंगे। खाना मैं आपको बता चुकी हूँ, फलाहार लेंगे, पूर्णमासी पर इसका उद्यापन करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को चढ़ाएंगे, बस ये पूजा करनी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस भीष्म पंचक व्रत को भीष्म पंचक क्यों कहते हैं। देखो महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो रहा था उस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में जो बाणों की शैया थी उस पर शयन कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए। उचित अवसर देखकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो बहुत बहुत ज्ञानी थे। भीष्म जी ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और बोले, पितामह आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वो जीवन भर अलग अलग तरह के सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये व्रत न केवल पहले किए गए संचित पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि आने वाले जीवन को भी सुखी बनाता है। भीष्म पंचक व्रत बहुत मंगलकारी है, फलदायी है, पुण्य देने वाला है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष और उत्तम गति अवश्य ही मिलती है। अंत में फिर कहूंगी, संकल्प के साथ भीष्म पंचक व्रत जरूर करें। देखो कार्तिक का महीना मुश्किल कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे तीज त्यौहार होते हैं, ठीक है ना। पर दीपावली के बाद क्या होता है, जो हमारे सांसारिक तीज त्यौहार है वो खत्म हो जाते हैं और अब हमारी देव दीपावली आएगी, देवों की दीपावली, है ना। और अध्यात्म में रहकर तो हमें भक्ति ज्यादा करनी है। तो अब आपके पास कलयुग के काम खत्म हो गए हैं और आप अब आपके पास अभी भी बंपर सेल का, है ना, पुण्य आपको तो बस ऐसे भर भर के मिल रहे हैं, तो उसका लाभ जरूर लें और ये अंतिम 5 दिनों में जरूर से ही व्रत करें। कार्तिक एकादशी देखो अपने आप में महापुण्यदायी है ना, जिसका व्रत सभी साधक करते ही करते हैं। इसी के साथ आपने कार्तिक महात्म्य आप सुनोगे कि जो कार्तिक मास की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक की जो ये अंतिम 3 तिथियां हैं ये बहुत ज्यादा पुण्य देने वाली हैं, इनका बड़ा विशेष प्रभाव होता है। इसलिए अगर कोई ये कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में स्नान व्रत का नियम करता है तो उसे पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल मिल जाता है। इन 5 दिनों में नियम से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत बहुत अच्छा होता है। भीष्म जी को अर्घ देने से जो पुत्रहीन होते हैं उन्हें पुत्र प्राप्त होते हैं और जो पुत्रवान होते हैं उनके पुत्र अच्छे बनते हैं। जिसको भी स्वप्न दोष या ब्रह्मचार्य संबंधी गंदी आदतें या प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें इन 5 दिनों में भीष्म जी को नियम से अर्घ देना चाहिए। इससे ब्रह्मचार्य में उनकी सुदृढ़ता बनती है, उनके अंदर कंट्रोल पावर आती है, कई लोगों के अंदर कंट्रोल नहीं होता है ना। हम सभी साधकों को इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ जरूर ही देना चाहिए और ब्रह्मचार्य का पालन भी जरूर ही करना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और ये बड़ा आसान उपाय है, करके देखना, सभी को कह रही हूं जरूर से करना, सभी मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। देखो अब ये सारी बातें तो हो गई भीष्म पंचक व्रत की। इसी में जो ये अंतिम लास्ट 5 दिन है इनमें एक होता है पंचदीघु व्रत, जिसमें हम रोज साहूकार की भव और राजावली कहानी सुनते हैं। ये व्रत 5 साल तक हर कार्तिक पे किया जाता है नियम से। कार्तिक स्नान क्या होता है, जैसे इस साल कर लिया, अगले साल में प्रॉब्लम हो गई नहीं किया, है ना, पर अगर आप पंच पीको व्रत कर रहे हो तो 5 साल तक रेगुलर करना है। 5वें साल में इस व्रत का उद्यापन होता है। इस व्रत के नियम में हम एकादशी और द्वादशी को व्रत करते हैं, फिर त्रयोदशी को नॉर्मल खाना खाते हैं, फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा को व्रत करते हैं और प्रतिपदा वाले दिन अपने व्रत को खोल लेते हैं, है ना। तो इस तरह ये व्रत करते हैं। हर साल व्रत के समापन पर 5 चीजें ब्राह्मणों को दान दी जाती है। 5 चीजें आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हो। इस तरह लगातार 5 साल तक ये व्रत किया जाता है।
पांचवें साल ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा जमाया जाता है, उन्हें भोजन करवाया जाता है, दक्षिणा और पांच सिर देकर विदा करके अपने व्रत का उद्यापन किया जाता है। कई जगह ब्राह्मण के साथ सास ससुर को भी कपड़े पहनाए जाते हैं, मतलब उन्हें भी जो भी होता है ना साड़ी कुर्ता पजामा वगैरह देकर पैसे दिए जाते हैं, उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह आपके दो जोड़े जीम जाएंगे, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का, एक सास ससुर का। कई लोग जेठ जिठानी करते हैं, नंद नंदोई करते हैं, तो ये सामाजिक बात होती है। एक प्रकार जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इन पांच दिनों तक स्नान और पूजा पाठ करता है उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। पंचमी को व्रत सांसारिक होता है, भीष्म पितामह का जो भीष्म पंचक व्रत है वो आध्यात्मिक होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।